तो आज मैं आपको ऐसा रास्ता बताऊंगा, ना ही 498A में कभी बेल कराने की जरूरत पड़ेगी, ना जेल जाने की जरूरत पड़ेगी, और ना ही ट्रायल कोर्ट में ट्रायल फेस करने की जरूरत पड़ेगी। कहने का मतलब ये, आपको सुनकर ये लग रहा होगा कि ये कौन सा रास्ता आ गया नया। बिल्कुल है रास्ता। देखिए, जब भी आपके खिलाफ 498A की झूठी FIR हुई हो, तो आप पहले तो उसमें पढ़िए, देखिए, विचार करिए, क्योंकि आपको मालूम है उसमें सही क्या है, गलत क्या है। और उस FIR के अपोजिट आपके पास एविडेंस क्या है उस FIR को गलत साबित करने का। दूसरी बात ये, अब करना क्या रहेगा? मान लीजिए बहुत ढेर सारे आपके पास सबूत भी हैं, सब कुछ है, जानते भी हैं, लेकिन अब आपको करना क्या है आगे, इसके बारे में तो जानना जरूरी है। तो सबसे पहले FIR होते ही आप स्टे ले लो हाईकोर्ट से, माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट अगर आपका लगता है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट, या फिर जहां आपका हाईकोर्ट लगता है आप क्रिमिनल रिट फाइल करके स्टे ले लीजिए। वो स्टे चार्जशीट तक का रहेगा। जब आप स्टे ले लेंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं, ना कभी पुलिस परेशान करेगी, ना टॉर्चर करेगी, ना एक रुपये ले पाएगी, उसका भी कई फायदा होता है। और मीडिएशन भी करा दिया जाएगा हाईकोर्ट में, अगर आपकी बात बनती है तो वहीं से जिंदगी भर के लिए मामला रफा दफा हो जाएगा। अब दूसरा ये, जेल जाने से बच गए आप, भले ही FIR है आपको। हालांकि 498A जैसे मामलों में जेल भी कोई नहीं जाता, लेकिन कभी कभी उसी में 376 वगैरह ऐड हो जाती है, यानी कि धारा 85 के साथ साथ धारा 64 ऐड कर दिया जाता है, धारा 74 ऐड कर दिया जाता है, यानी कि पुराने कानून में बात करी जाए तो 354, 377, 376 वगैरह वगैरह, और नए कानून के हिसाब से बात करी जाए तो धारा 64 या फिर धारा 74, तमाम ऐसी धाराएं लगा दी जाती हैं जहां आदमी मजबूर होता है या डर उसको रहता है कि कहीं यार जेल भेज ना दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में क्रिमिनल रिट फाइल करना आवश्यक है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। अब जब चार्जशीट फाइल हो जाए फिर क्या, चार्जशीट फाइल होने के बाद दो रास्ते आपके पास फिर है, या तो आप बेल करा के ट्रायल लड़ो। अब यहां हमने ये बताया ना आपको जेल जाने की जरूरत, तो जेल वाला रास्ता क्लोज कर दिया हमने, बता दिया। अब हमने बताया ना बेल कराने की जरूरत है और ना ट्रायल की जरूरत है। अब ना बेल की जरूरत ना ट्रायल की जरूरत कब नहीं होगी, जब आप उसी चार्जशीट को, उसी चालान को, उसी समनिंग ऑर्डर को आप सीधे हाई कोर्ट में चैलेंज कर देंगे, तो 100% ये श्योर है कि आपको लोअर कोर्ट में जमानत की कोई जरूरत नहीं है, आपको लोअर कोर्ट में ट्रायल लड़ने की कोई जरूरत नहीं। उसका कारण ये है कि जब आप हाई कोर्ट चले जाएंगे तो आपका मामला फिर स्टे कर दिया जाएगा। अब वो स्टे नेक्स्ट हियरिंग डेट का हो सकता है, 4-6 महीने का हो सकता है, उसमें लिख के आएगा ऑर्डर में। अब उसके बाद सवाल ये है कि उस 4-6 महीने बाद क्या होगा, या उस नेक्स्ट डेट के बाद क्या होगा। उस नेक्स्ट डेट के बाद भी काउंटर होगा, रिजवाइंडर होगा, वगैरह वगैरह में लगभग साल भर लग जाएगा, या 2-3-4 साल भी लग सकता है। तो आपको 3-4 साल कचहरी जाने की जरूरत नहीं है, 3-4 साल आपको डेट पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब 3-4 साल के लिए फिलहाल रहा। अब जब आपका केस फर्जी है, झूठा ही है, आपके पास एविडेंस भी है, तो ऐसी स्थिति में सीधे जब फाइनल हियरिंग होगी तो पति को छोड़कर सबका नाम हटा दिया जा सकता है, यानी कि क्वेश्चन कर दिया जा सकता है, या पूरी चार्जशीट को ही प्रोसीडिंग स्टे कर दिया जा सकता है, या फिर क्वेश कर दिया जा सकता है। कहने का मतलब ये, आज आपको लाभ मिले या कल मिले, लाभ आपको मिलना श्योर है, 100% है, क्योंकि आपके पास एविडेंस है। उसके पास क्या, ऐसा पत्नी के पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं रहता है, सीधे सामान्य आरोप रहता है कि दहेज के लिए, शादी के बाद से ही दहेज के लिए मारा पीटा गया, गाली गलौज किया गया फला फला के द्वारा। अब उसमें कोई स्पेसिफिक रोल नहीं होता है, कोई उसमें मेडिकल नहीं होता है, FIR डिले का कोई कारण नहीं होता है, जाना चाहती हो या नहीं जाना चाहती वो कल की बात है। तो कहने का मतलब ये, उस FIR में ऐसा कुछ नहीं साबित कर सकती है पत्नी कि जो उसमें लिखाया गया है। दहेज मांगा जा रहा था, 5 साल बाद पता चला दहेज मांगा जा रहा है, शादी में ही मांग लेता आदमी, मांगना है ना। हाँ, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि आजकल ऐसे अपराध नहीं हो रहे, हमेशा हर चीजें सच्चाई नहीं होती है।
भाई कुछ झूठे मुकदमे भी हैं, कुछ सही के भी मुकदमे हैं, ऐसा ये नहीं कहा जा सकता कि सब मुकदमे झूठे, लेकिन आज मैं जो इस वीडियो को लाया हूँ उन मुकदमों के लिए है जो फर्जी में लोग हैरान हैं, परेशान हैं, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं समझ आता उसके लिए। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।